ऑलराइट गाइस, टुडेज बिग क्वेश्चन इज कि हमारे मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे कि यार मुझसे गलत हो गया। कभी देखा है लोगों को ये बोलते हुए कि हमसे गलती हुई। वैसे आज बेसिकली हम बात करने वाले NTA के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट 2024। एक्चुअली इट्स नीट 2024 अ स्कैम। इन नीट 2024 स्कैम्स की इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिली है, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, इतने ट्विस्ट, इतने शॉकिंग इंसिडेंसेस, इट्स वर्थ अ मूवी। लोग तो हंसल मेहता को टैग कर रहे हैं, एक सीरीज बना दो इसके ऊपर, खूब चलेगी। और इसमें म्यूजिक ये मत रखना, ये तो पुराने वाले का था, नए वाले में तो ये रखेंगे। बट ये जो पूरा स्कैम हुआ है नीट 2024 का, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। From national testing agency to non-trustable agency, people lost faith in it, and this is the biggest loss. दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब किसी चीज पर से भरोसा उठ जाता है। और इस पूरे स्कैम के बाद ये जो पूरे एग्जाम कंडक्ट करने की, लेने की, जो ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हुए ना, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। NTA, non-trustable agency, people are saying these days, actually built their name from 2020. 2020 से मेहनत कर रहे हैं, तभी तो इतना नाम कमाया इन्होंने। दलाल। We went to the website of NTA and it was so funny. We went to the about us section and the most funny thing is the vision of NTA and the vision is the right candidates joining the best institutions. But ये लिखना भूल गए कि by cheating. And the mission is to improve quality and equality in education. नहीं, equality नहीं है, ना इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज नीट 2024 में जब पेपर लीक होता है तो एक बच्चे से 2 लाख ले रहे हो, दूसरे से 20 लाख ले रहे हो, ये कोई इक्वालिटी हुई? सच्ची। सो वी कांट बिलीव ऑन यू NTA, नो नॉट एट ऑल। वैसे चाह तो सब रहे थे और जरूरत भी थी देश में एक ऐसी स्वतंत्र निष्पक्ष इकाई की जो कि पूरे देश में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए और निष्पक्षता से करवाए, और आप देख सकते हैं कितनी निष्पक्षता से हुई है। एज आई टोल्ड यू, उन्होंने इतना सारा नाम 2024 में ही नहीं कमा लिया, काफी पहले से बदनाम होते आ रहे हैं। बात करते 2020 Z मेन की, मीट दिस बॉय, ही स्कोर्ड 99.8% ग्रेड। हिज नेम इज नील नक्षत्र दास। नील के नक्षत्र तब खराब हुए जब यह पता चला कि 99.8% इसने स्कोर नहीं किया, इसने एक प्रॉक्सी को भेजा था। इट्स लाइक मुन्ना भाई इन रियलिटी, बट मुन्ना भाई में मदद यह करता है, यहां पे नील नक्षत्र दास की मदद उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने की जहां पर वो पढ़ने जाता था। मोर शॉकिंग फैक्ट वॉज, नील नक्षत्र दास के डैडी डॉक्टर है। सो यार, दिस हैपेंड इन 2020 जी मेन एग्जाम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ दिस इज एक्चुअली पेनफुल। बहुत दुख होता है जब ऐसी खबरें सुनने में आती है, और सच में सबको बहुत बुरा लगा था पूरे देश को जब ये न्यूज आउट हुई थी। ये भी 2022 में हुआ था नीट UG में, और ये बहुत दुख की बात हुई थी। विधि सूर्यवंशी फ्रॉम मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, जब रिजल्ट आया तो पता चला विधि ने सिर्फ 6 मार्क्स स्कोर किए, उसे बहुत दुख हुआ। और यहां समझ में आता है कि इन एजेंसी को पवित्र और पारदर्शी क्यों होना चाहिए। विधि को जब ये पता चला कि उनके सिर्फ 6 मार्क्स आए, देन शी कमिटेड सुसाइड एंड देन लेटर ऑन पीपल गॉट टू नो शी डिड नॉट स्कोर 6 मार्क्स। निधि के एक्चुअली में 590 मार्क्स आए थे। And that's why these agencies should do their job properly. और student suicide हमारे देश में कितने बढ़ रहे हैं ये बताने की मुझे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसी में और 2020 में there was a case of मृदुल रावत। जब result आया तो मृदुल को पता चला that he is failed। और ये सब बच्चों को सीखना चाहिए, अगर आपको अपने ऊपर confidence है, आपको पता है कि आपने सही किया है, तो घबराओ मत। उसने फिर से recheck के लिए apply किया। Then you won't believe that. वो बंदा ऑल इंडिया टॉपर निकला इन ST कैटेगरी। अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर भाई, जिसको इन लोगों ने फेल कर दिया था। यार NTA वाले इतना गलत कैसे कर सकते, सुनते हैं आप? और फिर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, पर हाँ, विधि सूर्यवंशी केस, इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। शी स्कोर 590, सच अ गुड स्कोर। और उसके बाद जब इन लोगों ने 6 नंबर बोला, शी कमिटेड सुसाइड एंड ऑल दिस थिंग। हमारे देश का यही दुर्भाग्य है। सच्ची। जिन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो रखते नहीं है, और जिनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो ले लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो? और ऐसे NTA वालों ने अपना नाम बनाया है। जी मेन 2022 में टेक्निकल ग्लिचेस आए,
जिससे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम हुई। कुछ शर्म आया है? एंड इन दिस ईयर एनटीए ने तो बिल्कुल शर्म आया नहीं रखी। इन जनवरी ओनली जी मेंस, इसमें एक विचित्र प्रकार का घपला समझ में आया। स्टूडेंट्स को शिफ्ट्स में बुलाया जाता है एग्जाम देने के लिए। आप क्रोनोलॉजी समझो, लोग क्या आरोप लगा रहे थे। कुछ शिफ्ट्स में ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, कुछ शिफ्ट्स में कम स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, और उससे परसेंटाइल इफेक्ट हो रहा है। 27 जनवरी शिफ्ट 1 में 150 नंबर पे 90 परसेंटाइल आ रही है, लगभग 120,000 रैंक, और वही 150 नंबर पे 31 शिफ्ट 2 में 99 परसेंटाइल प्लस आ रही है। भैया सेम मार्क्स पे पहली बार हिस्ट्री में हुआ होगा 10 परसेंटाइल, मतलब ऑलमोस्ट 100,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। जी मेंस का सेशन 2 इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पर ही बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई, प्रॉक्सी करवाई जा रही है बोल के, चीटिंग हो रही है बोल के 39 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई भी किया गया। और उसके बाद फिर बड़ा धमाका हुआ नीट 2024 का, जो अभी सब चल रहा है। सो दीज वर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एनटीए सो फार। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। गलतियां होती है, छोटी मोटी चलती है, पर एक साथ इतनी सारी इतने बड़े लेवल पे होती है तो लोगों का भरोसा उठने लगता है, और ये नहीं होना चाहिए। इतने सारे एविडेंसेस के बाद इवन गोदी मीडिया वो शाउटिंग डे एंड नाइट, तब जाकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। और लोगों का बड़ी जल्दी मान गए आप तो, एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और वो मान इसलिए नहीं रहे थे कि एनटीए उनके अंतर्गत आती है। सी इट्स अ बिग ह्यूज स्कैम नीट 2024। एक समय था, एंड आई वोंट बिलीव दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिस्टर नीतीश कुमार हियर, नो सच में, और अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, पर एक समय था जब इन्होंने अपनी गलती मानकर रिजाइन कर दिया था। आई थिंक इट्स टोटल फेलियर ऑफ द रेलवे, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी एज द रेलवे मिनिस्टर, एंड दैट वाज अ बिट। और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया कि नहीं ये मेरी गलती है, इसमें मेरा फॉल्ट है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। ये होता था पहले और लोग बड़ा सम्मान करते थे उन लोगों का। अब तो बेशर्मी की इंतहा है, ऐसा बोल देंगे कि अरे ये जो लोग आ रहे हैं ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बाहर से फंडेड है, ऐसा बोल के निकल जाएंगे, या फिर विपक्षी पार्टी कर रही है, ये बच्चे तो नहीं आएंगे बाहर से। उसके बाद ये गोदी मीडिया अलग पहुंच जाता है नेताओं को बचाने के लिए। सी द प्रॉब्लम इज नोबडी इज रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। नीट स्कैम 2024, एजुकेशन मिनिस्टर, रिस्पांसिबिलिटी लेना तो दूर की बात है, तो मानने को भी तैयार नहीं थे पहले। कितने सारे एविडेंस थे। आज सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस का इतना हॉरिफाइंग एक्सीडेंट हुआ है, रेलवे मिनिस्टर, आपको लगता है ये रिस्पांसिबिलिटी लेंगे? अगर रिजाइन कर देंगे तो बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये शायद रो दे। मेंबर्स को गए 3 और 4 जून के बीच 31,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। आपको लगता है फाइनेंस मिनिस्टर बात भी करेंगी? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी हो तो कभी ना कभी कोई एग्जाम देने तो जाओगे, या फिर आपके घर से कोई जाएगा, या कोई इन्वेस्ट करेगा, या कोई रेल में जाएगा, तो ये सब चीजें जरूरी है सवाल पूछने के लिए। As I told you earlier, accountability. चलो अगर आप responsibility लेते हो और उसके बाद गलती नहीं होती तो जनता भी आपकी इज्जत करेगी। यहाँ तो लोग मानने को तैयार नहीं कि गलती हुई है, बस रफा दफा करने में लगे रहते हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। और मीडिया क्या कर रहा है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। If you like in this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना।